हेलो गाइस, मैं प्रशांत पांडे, मैं आपके लिए फिर वापस आया हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से एक और पार्ट लाया हूँ, छठा पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बुक कराएंगे, ज़्यादा ज़्यादा इसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कवर करके और हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, ओके। और मैं आपके लिए ये सबसे पहले आप कुछ एक ऐसी चीज़ लाना चाहता हूँ APJ अब्दुल कलाम की, हरदम कि आप लोग इसको पढ़ के थोड़ा मोटिवेट होया करिए, ओके, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये किसने कहा हुआ है? APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ मिसाइल, ये जो मिसाइल के थे बहुत बढ़िया थे। अगर आपने परमाणु पिक्चर देख ली है तो परमाणु, अगर मूवी आपने देख ली है परमाणु मूवी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस मूवी में इनका क्या किरदार था, तब से इनको मिसाइल मैन कहा जाने लगा। अगर आपने परमाणु मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग परमाणु मूवी देखिएगा और इनकी कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो परमाणु मूवी ज़रूर देख लीजिएगा। अभी जो हाल ही में कुछ दिन पहले ही आई है मूवी, ठीक है, परमाणु मूवी, ओके। चलिए ठीक है, ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे ही इनके रोज़ ले कर आऊँगा, रोज़ ऐसी वाक्य लेके आऊँगा और आप लोग इसको पढ़ के फिर आगे स्टार्टिंग करिएगा, तो इससे क्या होंगे, आप लोग भी मोटिवेट होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम लोग वो बेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो कोई समझ नहीं सकते, आप लोग इतने ज़्यादा अच्छे करेंगे। हर चीज़ की लिस्ट काउंट होगी, उसमें क्या है, किसका एंगल कितना है, कौन चूड़ी का एंगल, सब कुछ इसमें पता चल जाएगा आपको। तो प्लीज़ आप लोग ये ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको कवर ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी। चलिए आते हैं और देखिए, आप लोग देख लेते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। वीडियो देखिए, लाइक करिए तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ इस चीज़ से। अगर मोटिवेट नहीं होगा तो मेरा मन नहीं करेगा, मैं बनाना बंद कर दूँगा। कोई इससे यूट्यूब से कोई ज़्यादा ही लोग पैसे वैसे नहीं कमा लेते, अभी तो मेरे कोई पैसे वैसे कमाने नहीं, मेरे पास तो अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हैं। लेकिन मैं क्या है, अपना वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्या है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़, अगर जो जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी भेजिए और उनसे कहिए सब्सक्राइब करें और देखें वो, है ना। और अभी मैंने आपसे ये कहा था कि मैं एक नई क्लास करूँगा, ट्रिक क्लासेस, ठीक है। उसमें एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैंने ये सोच लिया कि मैं इसी जो हमारी मशीनिस्ट क्लासेस में, अगर किसी विद्यार्थी ने वीडियो ग्राम विकास अधिकारी लेखपाल एंड अगर कोई यूपी टेट की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं हिंदी की स्पेशली वीडियो डालूँगा बहुत अच्छे से और उसमें बहुत ज़्यादा कवर करवाऊँगा हर चीज़ को, ठीक है। और अगर मैथ भी है तो उसमें मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके। तो अब ट्रिक क्लासेस, तो मैंने सोच रहा ट्रिक क्लासेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं सोचा एक ही इसी चैनल में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में, और देखिए मैंने प्लेलिस्ट में, अगर आप लोग कुछ सही से सही समझ नहीं पाए तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलने लगेगा धीरे धीरे, ओके। चलिए ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है, एक मैट्रिक आउटसाइड मीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm होता है। देखिए, मैट्रिक आउटसाइड मीटर कोई माइक्रोमीटर पूछता है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है कितना होता है, 0.1 होता है। बट अगर ये पूछ लेता है कि वर्नियर, यहाँ से एक चीज़ और आपकी कौर होती है, अगर पूछ लेता है वर्नियर माइक्रोमीटर, अगर पूछता है वर्नियर माइक्रोमीटर, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 mm होता है, याद रखे हो। इंच में क्या होता है, 0.0001 inch हो जाता है, ओके, याद रखिएगा ये चीज़, ये वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। और जो हमारा ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो इंच में, जो लिस्ट काउंट इसका कितना होता है, लिस्ट में इसका इंच काउंट इंच होता है, 0.01 inch हो जाता है, ठीक है, लिस्ट में इंच में। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, एक माइक्रोन का मान कितना होता है, 0.0, ठीक है, 0.001 mm होता है, और इसमें हम लोग ये कह सकते हैं 10^-3 mm कह सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम ये कोई क्वेश्चन पूछता है, एक माइक्रोन इक्वल टू कितना, 10^-6 m भी होता है, ठीक है, एक माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, 10^-6 m भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्रिल कौन सी धातु बनाती है, ड्रिल हमारी जो बनाती है हाई स्पीड स्टील की, अधिकतर जो कटिंग टूल हमारे जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, ठीक है, हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, हमारा जो हाई स्पीड स्टील होता है, जो हाई स्पीड स्टील होता है, इसमें जो हमारा टंगस्टन होता है कितना परसेंट होता है, 18% टंगस्टन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा क्रोमियम होता है वो कितना होता है बताइए। चलिए ये चीज़ अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डाल बताइए कि हाई स्पीड स्टील में, अगर आप लोग वीडियो पढ़ रहे हैं बराबर, तो बताइए कि हाई स्पीड स्टील में क्रोमियम कितने परसेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? देखिए, जो साधारण से ड्रिल का कटिंग एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री होता है। कितना? 118 डिग्री होता है। इसकी मैं जब वीडियो भी बना के डालूंगा तो उसमें सारे कटिंग एंगल मैं अलग अलग डालूंगा कि माइल्ड स्टील का कटिंग एंगल कितना होता है, इसका क्या कटिंग एंगल होता है। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ के चलिए लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है? हेलिक्स एंगल का कितने प्रकार होता है? देखिए, एच एन एस हार्ड नॉर्मल सॉफ्ट तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एच एन एस हार्ड नॉर्मल सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एन टाइप का हेलिक्स एंगल ड्रिल कितना होता है? जी, ये जो नॉर्मल टाइप का हेलिक्स एंगल होता है उसका कितना होता है? 10 डिग्री से 13 डिग्री होता है। कितना होता है? 10 डिग्री से कितना होता है? 13 डिग्री होता है। ठीक है, हार्ड नॉर्मल शॉर्ट मैंने आपको बताया, तो 10 से 13 डिग्री हमारा होता है नॉर्मल का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कह रहा है समान रूप से कितने दांतों वाला कटर प्रयोग करता है? जो 30 दांतों वाला, ये हम लोग 15 मान लीजिए। ठीक है, 13 व 15 वाला। अगला अगला क्वेश्चन आता है, एक्मी चूड़ी। देखिए, एक्मी चूड़ी का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। एक्मी चूड़ी का जो एंगल होता है कितना डिग्री होता है? एक्मी चूड़ी का जो एंगल होता है कितना होता है? 29 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैपिंग अलाउंस कितना होता है? ये याद रखिएगा, लैपिंग अलाउंस 0.00, लैपिंग अलाउंस कितना होता है? 0.001 mm से 0.01 mm होता है। ठीक है, 0.001 mm से 0.01 mm होता है, लैपिंग अलाउंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जो हमारा माउंटेड व्हील होता है किस डायमीटर तक उपलब्ध होता है? 50 mm तक। माउंटेड व्हील आप लोग जानते हो ना, तो जो माउंटेड व्हील होता है वो किस डायमीटर तक होता है? वो होता है 50 mm तक का होता है अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जब धातु के कण एब्रेसिव कणों के बीच फंस जाते हैं तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? उसमें हम लोग लोडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो व्हील होता है उसमें क्या होता है, एब्रेसिव, उसमें हम लोग जब कोई धातु उसमें घिसते हैं, मतलब उसके क्या है, जैसे टूल्स वगैरह होते हैं, टूल्स की धार वगैरह बनाते हैं, जो टूल्स की धार बनाए क्या होता है कि वो मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा होता है स्पीड कम है, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा है धातु की, तो ये होता है उसमें क्या फंस जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे दिख रहा है, एकदम चिकना हो जाता है, लाल जैसा चिकना चिकना दिख रहा है, ऐसे वो चिकना हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग कहाँ कहते हैं? जी, स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील तो वो बेलनाकार और चौरस सतह में, स्ट्रेट जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो बेलनाकार सतह में करते हैं। ठीक है, और चौरस सतह में करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रहा है, रफ ग्राइंडिंग हेतु कट की गहराई कितनी होती है? रफ ग्राइंडिंग के लिए 0.02 से 0.3 तक करते हैं। ठीक है, 0.03 से 0.3 mm हम लोग करते हैं, जो रफ ग्राइंडिंग हेतु कट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है उसका आंतरिक एंगल कितना होता है? अभी बताया था 180 डिग्री है, नॉर्मल है ये एंगल, 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? समांतर रेखा खींचने के लिए करते हैं। जेनी कैलिपर को ही देखिए हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, जेनी कैलिपर को हम लोग हर्मोफ्रोडाइट भी कैलिपर कहते हैं। ठीक है, जेनी कैलिपर को भी हम लोग हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। इसका काम ये होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई बेलनाकार सतह है उस पर हम लोग केंद्र निकालने के लिए, ठीक है, केंद्र निकालने के लिए करते हैं, इसकी एक टांग ऐसे मतलब एक टांग ऐसे थोड़ी मुड़ी हुई होती है और एक टांग हमारी इसकी सीधे होती है, ऐसे करके होती है। ठीक है, तो जेनी कैलिपर हमारा ये हो गया। अगला, ड्रिल की चाल होती है कितनी होती है? चक्कर प्रति मिनट होती है। चाल मतलब क्या हो भाई, ड्रिल ड्रिल है वो रोटेट करता है, रोटेट रोटेट करता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, चक्कर घूम रहा, चक्कर हो गया, और कितने समय कर रहा, तो प्रति मिनट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो घड़ी साज किस फाइल का यूज़ करते हैं? नीडल फाइल, स्विच फाइल लिखा हुआ है, जो हम आपको नीडल फाइल बताते हैं, नीडल फाइल होती है। ठीक है, नीडल फाइल वो पतली पतली होती है, इसमें हैंडल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रिल ग्राइंडिंग का गेज एंगल कितना? ड्रिल ग्राइंडिंग का जो गेज एंगल होता है वो 121 डिग्री होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो ड्रिल ग्राइंडिंग का गेज एंगल होता है ना वो कितना होता है? 121 डिग्री होता है। अगला आता है, फाइल ब्लेड में प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए, 28 से 32 होती है। ऐसे अगर नॉर्मल देखिए तो हम लोग आती है 28 से 32 फाइल जो ब्लेड होती है ना, फाइल ब्लेड में प्रति इंच दांतों की जो टीथ की दांतों की संख्या होती है कितनी होती है? 28 से 32 भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कोर्स ब्लेड में प्रति इंच टीथ की संख्या कितनी थी? कोर्स ब्लेड में 14 से 18 होती है। ठीक, कितनी होती है? 14 से 18 होती है कोर्स ब्लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सीट की मोटाई चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सीट की मोटाई जो हम लोग चाहते हैं वायर गेज, वायर गेज आप जानते हो, अगर कोई तार वगैरह है, मान लीजिए तार है, ठीक है, तार है, अगर हमें इसकी मोटाई चेक करनी, तो वायर गेज हमारा ऐसे ऐसे खांचे करके पूरा बना होता है गोलाई में, उससे हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किए हुए सुराख में या बोर को सही साफ करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग रीमर कहते हैं। मैंने कल ही आपको वीडियो में पढ़ा था, अगर आप लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था ड्रिल हम लोग जब कर लेते हैं, ड्रिल के बाद जो हम लोग उसकी फिनिशिंग करने के लिए हम लोग रीमर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गन मेटल किस धातु बना होता है? गन मेटल मैंने आपको बताया था कॉपर टीन, ठीक है, कॉपर टीन और जिंक का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, माइल्ड स्ट्रीम कार्बन की मात्रा कितनी? माइल्ड स्ट्रीम 0.05 से 0.25 तक की होती है, ठीक है। माइल्ड स्ट्रीम जो कार्बन की मात्रा होती है, माइल्ड स्टील में जो कार्बन होती है 0.05 से 0.25% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटर पदार्थों की संख्या का सूत्र लिखिए। फीट प्रति मिनट गुणे क्या होता है, फीट प्रति मिनट गुणे सॉरी फीट प्रति मिनट बटे में दांतों की संख्या गुणे आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको शायद यहीं तक रखा जाए, क्योंकि आप लोग भी फिर ज़्यादा बोर हो जाते हैं ना, इसलिए मुझे लग रहा है यहीं तक रहना चाहिए। और कायदे से तो मुझे थोड़ा घसीटना चाहिए, लेकिन आप लोग बोर ना हो इस वजह से, ठीक है। चलिए हम लोग, अगर बोर ना हो तो मैं अगला इस पर और भी पढ़ा देता हूँ अगर आपको बोर ना हो। चलिए ठीक है, मैं अगली वीडियो ले आऊँगा आपको, कोई प्रॉब्लम अगर हो, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।